आज हम लोग लेंस फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्लास 10th में भी आपने वैसे करके रखा हुआ है। लेंस फॉर्मूले में मैं आपको बताऊं क्या होता है। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसके लिए एक हमारे पास ये लेंस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। इसमें मैंने एक रे डायग्राम आपको बना के दिखाया हुआ है और आप इसी की मदद से लेंस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और आज इस फिगर में मैंने तीन के तीनों रूल्स का यूज करते हुए रेज को बनाई है। आप देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है ए बी, और ये एक लेंस है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, इधर भी प्रिंसिपल फोकस है उतनी ही डिस्टेंस पर। दोनों तरफ मुख्य फोकस होते हैं, उत्तल लेंस में इधर प्रथम मुख्य फोकस, उधर दूसरा मुख्य फोकस, लेकिन डिस्टेंस दोनों की सेम रहती है। यहां पर इससे कुछ दूरी पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज हम अपने इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स हमने पढ़े थे उनकी हेल्प से बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले बिंदु ए से हमने एक ये किरण भेजी, दिस इज रे नंबर 1। ये प्रकाश किरण भेजी, अब आप रूल्स भी जानते हो, तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अगर ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो इसका क्या होगा बताएं? ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, उत्तल लेंस पर पड़ी, उत्तल लेंस ने रे को मोड़ा और इसको प्रिंसिपल फोकस से होकर पास कर दिया। तो ये किरण ऐसे इस रास्ते पर आगे चली गई। ठीक, पॉइंट ए से हम एक रे और भेजेंगे। बिंदु ए से एक किरण हमने और भेजी, वो वाली किरण हमने प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती हुई भेजी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश किरण आप जानते हैं सीधी निकल जाती है, वो कहीं पर भी मुड़ती नहीं है, बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो ये प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर पर गई, ये किसी भी तरफ नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल गई। तो ये प्रकाश किरण वो वाली है जो ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रही है। इसके बाद बनने को केवल इन दो किरणों से ही इमेज बन जाती, लेकिन हमने आपको इमेज फॉर्मेशंस के जो रूल पढ़े, हमने तीसरा नियम भी यूज करके आपको दिखाया कि तीसरा नियम किस तरीके से यूज करेंगे आप। उसके लिए हमने एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से भेजी है। देखो, ये जो लाइट रे बिंदु ए से ही चली, मुख्य फोकस से जाती है और जैसे ही लेंस पर पहुंची, तो आपको याद होगा मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अपवर्तन हुआ, और देखिए ये अगर मुख्य अक्ष है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइट रे कैसे हो गई? पैरेलल, समांतर हो गई और ऐसे निकल गई। लेकिन आप एक चीज देखें, हमने तीन प्रकाश किरणें भेजी और तीन की तीनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, तीनों एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए इसी जगह पर क्या बन गया, ए का इमेज ए डैश। और ऐसा एक लंब डाल दिया हमने मुख्य अक्ष पर, तो ए डैश बी डैश ये बन गया प्रतिबिंब। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमको वहां पर मिल जाता है। ठीक है, इसमें कुछ डिस्टेंसेज होती हैं, आपको याद होंगी। लेंस से वस्तु तक की जो दूरी रहती है, इसे आप यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लेंस से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, लेंस से ये प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस, इसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, क्योंकि ये फोकल लेंथ होती है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। यू को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ।
फोकस दूरी कहते हैं इसको, फोकस दूरी, और ये वस्तु की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है, प्रतिबिंब तक की दूरी, इसे वी से लिखा जाता है। ये डिस्टेंसेस भी आपको याद है, ठीक है। अब इसमें हम जो लेंस फॉर्मूला होता है उसके लिए आपको एक सिंपल सी ज्योमेट्री लगानी पड़ती है दो बार। जैसे एक लगाना पड़ता है समरूप त्रिभुजों की थ्योरम, आपने क्लास 10th में भी इस डेरिवेशन को किया है, और इसलिए हमने फिगर बना दिया है, सारा कुछ कर दिया है। हम इस डेरिवेशन को आप क्लास 12th में नहीं करेंगे। आप चाहें तो सिंपल सी ज्योमेट्री लगेगी, आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं, क्लास 10th वाले डेरिवेशन से हेल्प ले लीजिए आप। तो हम उसको दोबारा डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन जब आप डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। सॉरी, फॉर्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। वी को हम क्या बोलते हैं? वी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। ये वी के बारे में है, ये यू के बारे में है, और ये यहां पर आए हुए एफ के बारे में है। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1/ फोकस दूरी बराबर 1/ प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/ वस्तु की दूरी। तो ये आप डेरिवेशन अपने घर में जाकर, और बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री है उसकी हेल्प से आप करिए, ठीक है। लेंस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। और इसमें याद करिए, एक होता था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग होता था, मैं आपको लिख के दिखाऊं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इस फॉर्मूले को बोला जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं केवल लेंस फॉर्मूला। इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और पढ़ने को आपको मिलता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, या आप इसको बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मींस आवर्धन क्षमता। क्या होती है आवर्धन क्षमता? तो किसी भी लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो एक्चुअली हमको ये बताती है कि वो लेंस के सामने जब आप वस्तु को रखोगे तो वो लेंस जब उसकी इमेज बनाएगा तो इससे कितनी गुनी बनाएगा, ये आवर्धन हमको बताता है। क्या बताता है आवर्धन हमें? किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता से हमको ये पता लगता है कि अगर उसके सामने आप इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट रखोगे, इतनी बड़ी वस्तु रखोगे, तो वो लेंस जब इसकी इमेज बनाएगा तो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने गुनी इमेज बनाएगा, ये आवर्धन क्षमता से हमको पता लगता है। आवर्धन क्षमता को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बड़ा आसान है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी लेंस के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब तथा स्वयं वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। फिर से एक बार, किसी लेंस के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई तथा स्वयं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता के बारे में नोट कर लेते हैं जरा हम लोग। लिखा है किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, लेंस जब रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्वयं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मींस लेंस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा उसकी ऊंचाई लेनी है आपको, और अपॉन में खुद उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ले लेनी है, उस वस्तु की ऊंचाई ले लेनी है, और दोनों का अनुपात जब निकालेंगे उसको बोलेंगे आवर्धन क्षमता।
तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या फॉर्मूला बना? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये फॉर्मूला बना। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब है, हम मान लेते हैं कि जो इसकी हाइट है वो एच आई है, हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई और वस्तु की ऊंचाई को एच ओ मान लिया। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई की जगह एच आई लिख दिया और वस्तु की ऊंचाई की जगह एच ओ लिख दिया। आगे हमने एक माइनस लगाया, ये माइनस क्यों लगाया भाई हमने? माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि आप देख सकते जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी जा रही है उसकी ऊंचाई, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई उसी मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नाप रहे हैं। और साइन कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरियां नेगेटिव साइन के साथ हम लेते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई को हम कैसे नापते हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो मुख्य अक्ष के नीचे नापी जा रही है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ लिया गया है। ठीक है, आगे चलकर एक और चीज इसमें आप पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दो त्रिभुजों के बारे में यहां पर बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज आप देख सकते हैं ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज आप देख सकते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ध्यान से देखें दोनों ट्रायंगल्स को, मैं कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी और ये ओ त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल सभी को दिखा। एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा छोटा है उसकी अपेक्षा, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखें कि ये एंगल इस ट्रायंगल का कितना है, 90 डिग्री। इस त्रिभुज का ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों त्रिभुज का एक कोण कैसा हो गया, बराबर। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। किस वजह से? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक है, अब दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। इन दो त्रिभुजों की दो चीजें आपस में बराबर हो गई हैं, इसलिए त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज। कैसे त्रिभुज हैं ये, समरूप। आप और भी एक चीज इनकी देख सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, त्रिभुज ए बी ओ का ये वाला कोण और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये और ये, और ये एक तिरछी लाइन ऐसा काटते हुए जा रही है इस तरह से, तो इसका जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही एंगल तो ये वाला होगा। किस वजह से? एक अंतर कोण की वजह से, अल्टरनेट एंगल। तो इन दो त्रिभुजों की तीन तीन चीजें बराबर कर दी हमने। मैं इनमें यह देखना चाहता हूं, समरूपता का रूल लगाना चाहता हूं, इसलिए त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ अब हम लिख सकते हैं कैसे त्रिभुज हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुजों की प्रमेय आपको याद है, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है मींस, अगर हम इसकी भुजा लेते हैं ए डैश बी डैश और इसकी भुजा लेते हैं ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, हमने इस त्रिभुज का लंब ले लिया, इस त्रिभुज का भी लंब ले लिया। आप इक्वल में क्या लिख सकते हैं, फिर से इस त्रिभुज में आइए, हम इसका आधार ले सकते हैं अपॉन इसका आधार ले सकते हैं।
तो उधर वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा? ओ बी डैश। और इधर वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा? ओ बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह पर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह पर ओ बी डैश अपॉन ओ बी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर ध्यान से देखिए जरा, माइनस एच आई को क्या लिखें? एच आई को ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। एच ओ को क्या लिखा जाए? ए बी लिखा जाए। और हमने तो अभी अभी फॉर्मूला बनाया है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ठीक है, आप चाहो तो साइन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे साइन का इस्तेमाल करेंगे? ओ बी डैश, ओ बी डैश किस तरफ है? ये इधर की तरफ है, तो ये कैसे मेजर की जाएगी? पॉजिटिव साइन के साथ में, तो माइनस, और इसको आप प्लस ओ बी डैश लिख सकते हो यहीं पर। समझ आया आपको? ओ बी किस तरफ मेजर की जा रही है? देखो लेफ्ट साइड में। तो अगर ओ बी हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लेंगे? माइनस साइन के साथ लेंगे। तो ये क्या मिला आपको? ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है? ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है? वी। और ओ बी की वैल्यू कितनी है? यू। तो ओ बी डैश की जगह पर वी और ओ बी की जगह पर यू। इस तरह से ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा लेंस के लिए। याद आया आपको? एम इज इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन का या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बनेगा, माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मिलेगा लेंस के लिए। ठीक है, नहीं समझ आया आपको? आवर्धन उल्टे प्रतिबिंबों के लिए कैसा होगा? नेगेटिव। और सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये मैग्निफिकेशन आपको इस तरह से मिलेगा, लेंस फॉर्मूला, आवर्धन क्षमता। ये लेंस फॉर्मूला आप डिराइव करिए, आवर्धन क्षमता ये हमने बना ली। ठीक है, नोट करिए जल्दी से आप इसे। बेटा देखिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो करने वाले हैं वो है पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए, लेंस का जो मेन फंक्शन होता है, उसका जो मेन कार्य होता है, वो ये कि जो भी प्रकाश किरण उस पर पड़ती है वो उसको मोड़ देता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लेंस का जो मेन वर्क होता है वो है प्रकाश किरणों को मोड़ना। ठीक है, अब थोड़ा आप ध्यान से देखें कि जैसे एक हमारे पास ये लेंस है और एक हमारे पास ऐसा ही एक दूसरा लेंस है। ये हमारे पास लेंस नंबर वन है और ये हमारे पास एक लेंस नंबर टू है। ये हमने दोनों लेंस की मुख्य अक्ष बना ली। इस लेंस पर हम ऐसा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं। अगर लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो आप सबने इसके लिए एक रूल पढ़ा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये प्रकाश किरण का रास्ता ये है। देखिए, अगर लेंस इसको मोड़ेगा नहीं तो ये प्रकाश किरण सीधे इस दिशा में निकल जाएगी, लेकिन लेंस का काम ही है प्रकाश किरणों को मोड़ना। इसलिए लेंस पर जैसे ही प्रकाश किरण आपतित होती है ये उसको मोड़ देता है। मैंने मान लिया कि इस लेंस ने प्रकाश किरण को मोड़ा और उसको मोड़ करके यहां पर भेज दिया। कुछ भी मान लेते हैं, हमने माना कि इसने प्रकाश किरण को मोड़ दिया है 20 डिग्री से। ऐसा लाइट रे जा रही थी, लेकिन क्योंकि रास्ते पर लेंस पड़ा, उसने प्रकाश किरण को ऐसा नीचे की ओर मोड़ दिया, 20 डिग्री मोड़ दिया और यहां पर से प्रकाश किरण गुजर गई।
इतना भी आपको पता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद वो जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये वाले पॉइंट का नाम क्या है? मुख्य फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकस दूरी F। ठीक है। अच्छा, इस वाले लेंस में भी हमने प्रकाश किरण को समांतर ऐसे भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष उसके समांतर प्रकाश की किरण गई। जब इस लेंस पर पड़ी तो अगर ये लेंस इस प्रकाश किरण को मोड़ता नहीं तो ये प्रकाश किरण इस रास्ते पर सीधी जाती, लेकिन इस लेंस ने भी प्रकाश किरण को मोड़ा और मान लिया कि इस लेंस ने इतना मोड़ दिया, इसको इतना 50 डिग्री तक मोड़ दिया इसने। इस वाले लेंस ने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को 20 डिग्री मोड़ा था। इस वाले लेंस ने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को 50 डिग्री से मोड़ दिया। अब समांतर प्रकाश किरण आ रही थी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसी को हम बोलेंगे मुख्य फोकस। और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से मुख्य फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है। अब दोनों लेंस को कंपेयर करिए और ये बताएं मुझको कि दोनों लेंस में दो चीजों के बारे में बात करना है, मोड़ा किसने ज्यादा है और किसने कम मोड़ा है प्रकाश किरण को। इसने 20 डिग्री मोड़ा था, इसने कितना मोड़ दिया? 50 डिग्री। तो बेंडिंग, लाइट रे की बेंडिंग कौन ज्यादा कर रहा है? लेंस नंबर 2 ज्यादा करता है, बेंडिंग इसकी कैसी है? लेस। और ये प्रकाश किरण को जब बेंड करता है, प्रकाश किरण को मोड़ता है तो इसकी बेंडिंग कैसी है? मोर, बहुत ज्यादा मोड़ता है ये प्रकाश किरण को। अगर ये प्रकाश किरण को 20 डिग्री मोड़ता है, 50 डिग्री मोड़ता है, तो आपको क्या लगता है लेंस का मेन फंक्शन क्या है? प्रकाश किरण को मोड़ना। और मोड़ने वाला काम कौन ज्यादा कर रहा है? दूसरा लेंस। तो पावर किसकी ज्यादा है फिर? दूसरे लेंस की पावर ज्यादा है। तो पहले वाले लेंस की पावर, पहले वाले लेंस की पावर कम और दूसरे वाले लेंस की पावर ज्यादा। क्यों? क्योंकि लेंस का मेन फंक्शन है ही क्या? किरणों को मोड़ना। तो जो लेंस ये वाला काम ज्यादा करेगा उसकी पावर ज्यादा, और जो लेंस मोड़ने का काम कम करेगा उसकी पावर कम। ठीक। फोकल लेंथ को कंपेयर करिए जरा। फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होगी? फोकल लेंथ इसकी इतनी बड़ी फोकल लेंथ है और इसकी बस इतनी बड़ी फोकल लेंथ है। तो लेंस नंबर 1 की फोकल लेंथ कैसी है? ज्यादा। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। और अगर हम इस लेंस की फोकल लेंथ की बात करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ कैसी है? कम। हमें सिर्फ दो चीजों को गौर करना है, पावर और फोकल लेंथ। इसकी पावर कैसी थी? कम। तो फोकल लेंथ कैसी है? ज्यादा। इसकी पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है। अब हमको एक बात समझ में आने लगी कि जिस लेंस की पावर ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, और जिस लेंस की पावर कम होती है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। इट मींस वी कैन अंडरस्टैंड दैट पावर इज डायरेक्टली और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मींस स्पष्ट है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती स्पष्ट है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के सॉरी उसकी फोकस दूरी मैं यहीं पर लिख देता हूं, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
अगर क्षमता को आप पी से लिखेंगे और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं तो हम पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब पावर ज्यादा होती है तो फोकल लेंथ कम होती है और जब पावर कम होती है तो फोकल लेंथ ज्यादा होती है, मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। अब इस निशान को हटाना है तो उसके लिए हमको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर हमने यहाँ एक कांस्टेंट लगाया, पी इज इक्वल टू के इंटू 1/f, ये हमने एक कांस्टेंट लगा दिया। के क्या चीज है यहाँ पर? यहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, अच्छा। अब अगर के अनुक्रमानुपाती नियतांक है तो हम चाहते हैं हमारे फॉर्मूले पे, क्योंकि फिजिक्स में हम हर चीज को इजी करना चाहते हैं, हर चीज को आसान बनाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे फॉर्मूले पे कांस्टेंट मत रहे। कांस्टेंट को हम यहां से हटाना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी फॉर्मूले से कोई चीज आप हटा दो ऐसा तो हमारी साइंस में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम एक काम करेंगे, क्योंकि लेंस की क्षमता को इससे पहले तो हम कहीं नहीं पढ़े थे, लेंस की क्षमता पहली बार आ रही है और अभी अभी लेंस की क्षमता को हम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक नई क्वांटिटी है। और जब भी साइंस में आपके लिए कोई भी नई क्वांटिटी आती है आप उसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से उसकी परिभाषा बना सकते हैं। आप खुद सोचिए, जो चीज अभी तक थी ही नहीं, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, अभी वो नई नई चीज आई है, तो आप जिस तरह से उसको शुरुआत में एक बार डिफाइन कर दोगे वैसे ही तो पूरी दुनिया पढ़ेगी उसको। तो क्योंकि क्षमता के बारे में इससे पहले इसका जिक्र ही नहीं हुआ था, इससे पहले हम जानते ही नहीं थे, और क्षमता को नया नया बिल्कुल अभी हमने अपनी फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो हम चाहें तो क्षमता की परिभाषा को हम इस तरह से डिफाइन करें, क्षमता की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित करेंगे कि हम के को 1 बना देंगे। और अगर हमने के को 1 बना दिया तो हमारा फॉर्मूला पी और एफ में बचेगा और वो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, और हम यही करना चाहते हैं फिजिक्स में, हम चीजों को आसान बनाना चाहते हैं। तो हमने इसको डिफाइन किया अलग तरह से, कैसे? हमने इसकी परिभाषा ऐसे बनाई, हमने बोला जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, क्योंकि हमको ये फ्रीडम है अभी। देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब फिजिक्स में, न सिर्फ यहां, पूरी फिजिक्स में जब भी कोई राशि, नई राशि को हम शामिल करते हैं, उसको पढ़ने चलते हैं, उस समय हमारे पास स्वतंत्रता होती है, हमारे पास फ्रीडम होता है कि हम उसको अपने हिसाब से परिभाषित कर लें। तो हम चाहते हैं इसको इजी बनाना, एंड वी डोंट वांट टू कांस्टेंट इन दिस फॉर्मूला, तो हम कांस्टेंट को एक करना चाहते हैं, और उसको एक करने के लिए हम इसको अपनी तरह से, हम अपने तरीके से इसको परिभाषित कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? तो उसके लिए जब डिफाइन किया गया तो ये सोचा गया, ऐसा मान लिया गया कि इस दुनिया में जिन लेंसों की फोकस दूरी 1 मीटर होगी उनकी क्षमता को हम बोला करेंगे 1 डाइऑप्टर। ये हमने मान लिया, क्योंकि अभी अभी तो हम इसको परिभाषित कर रहे हैं, तो हम तो कुछ भी ले सकते हैं, इसके पहले इसको कोई जानता ही नहीं है, तो जैसा आप बना दोगे एक बार डेफिनेशन वैसे ही तो पूरी दुनिया में चल पड़ेगी, वैसे ही हमारी स्टडी में आ जाएगा, वैसे ही सब लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हमने उसको कैसे बना दिया कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, ये हमने बनाई दिया उसको। तो लेंस की क्षमता को हमने कैसे परिभाषित किया? लेंस की क्षमता हमने परिभाषित किया जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है
उसकी क्षमता। एक डायोप्टर होती है, ये हमने बना लिया अपने अकॉर्डिंग, हमने डिफाइन कर लिया इसको कि इस दुनिया में जो लेंस ऐसे होंगे जिनकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, उन लेंसेज की क्षमता को हम क्या बोला करेंगे आज से, 1 मीटर। बस एक बार ये चल पड़ा, फिर सब लोग ये स्टडी करने लगे कि जिन लेंसेज की फोकस दूरी 1 मीटर होगी उन सभी लेंसों की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अब आप खुद सोचिए, पावर की जगह अगर हमने फोकस दूरी की जगह 1 मीटर लिखा तो पावर की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 डायोप्टर लिखना पड़ेगा। एफ की जगह पर 1 तो पी की जगह पर भी 1, इस तरीके से के की वैल्यू क्या आ गई, 1। देयरफॉर के विल बी इक्वल टू 1, इसलिए पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/f। बट यू विल हैव टू रिमेंबर फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, मुख्य फोकस दूरी को काहे में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए उसको। तो ये हमने लेंस की क्षमता की परिभाषा बनाई, या आप यूं समझ सकते हैं एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा हमने बनाई इस तरह से, ठीक है। और आपको बहुत याद रखना है कि जब आप फोकस दूरी काहे में यूज करा करोगे, मीटर में, तो ही आप क्षमता को क्या बोल सकते हो, डायोप्टर बोल सकते हो, ठीक है। इसमें एक आध छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस अगर लेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। हमने आपको दिखाया करके कि क्यों होती है पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी इसलिए उत्तल लेंस की पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव, बिकॉज पावर डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर प्लस है तो उसकी पावर भी कैसी आएगी, प्लस, आपको याद रखना है। यही चीज अगर मैं अवतल लेंस के लिए बात करूंगा, अवतल लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो अवतल लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। देयरफॉर पावर ऑफ कॉनकेव लेंस विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। इस तरह से हमने पावर की परिभाषा बनाई और पावर का फॉर्मूला बना लिया। तो आज के बाद क्या सबको याद रखना है कि जिन लेंसेस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर उसकी क्षमता होगी। और अगर हम इसका उल्टा बोलेंगे कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी क्षमता है 1 डायोप्टर, आप क्या समझ जाया करेंगे कि उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। हम बोलेंगे हमारे पास एक लेंस है उसकी क्षमता है 1/2 डायोप्टर, अब आप क्या समझ गए उसकी उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1/2 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने लेंस की क्षमता के बारे में स्टडी कर लिया, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग लेंसेज के कॉम्बिनेशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग स्टडी करने चलेंगे वो है लेंसेज का कॉम्बिनेशन। अगर हम एक साथ एक से ज़्यादा लेंस को आपस में जोड़ के रख दें, एक दूसरे से कनेक्ट करके रख दें, तो वो लेंस कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिहेव करेगा और उस लेंस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी क्या होगी और उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये थोड़ा सा हमको पढ़ाई करनी है। इसलिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा लेंसों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आप देखें, मैं सुविधा के लिए 2 लेंस यहां लेता हूं, एक लेंस ये है और एक दूसरा लेंस और है, उसको भी मैं इसी के साथ जोड़ के रख लेता हूं। हमने मान लिया कि ये दोनों के दोनों बहुत पतले लेंसेज हैं, तो 2 लेंसेज हम ऐसा एक दूसरे के साथ ऐसा चिपका के रख देते हैं। आप थोड़ा दूर भी रख सकते हो कॉम्बिनेशन करने में, पर अभी ये जो केस हम ले रहे हैं इसमें दोनों लेंसेज को एक दूसरे के साथ हम जोड़ के रखे दे रहे हैं। ये पहले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये दूसरे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस नंबर 1 है और ये लेंस नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज और यहां पर मान ली कि ये जो लेंस नंबर 1 है हमारा,
इसकी फोकस दूरी है F1, और ये जो लेंस नंबर 2 है इसकी फोकस दूरी हमने कितनी मान ली F2। ये इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर्स हैं O1, और इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं O2। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली अगर हम एक लाइन बना देंगे तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष, और ये दोनों की संयुक्त प्रिंसिपल एक्सिस है, कंबाइंड प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस के लिए भी काम करेगी और इस लेंस के लिए भी काम करेगी, ये दोनों की एक ही प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाई। इसके बाद इसके सामने हम एक वस्तु रख देंगे। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पर, ये हमने एक वस्तु रख दिया। एक चीज और मैं बताऊं, ये लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2 है, लेकिन पूरा मिला के जो चीज बन रही है उसको हम बोलते हैं लेंस कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? लेंस कॉम्बिनेशन, हिंदी में संयुक्त लेंस। समझ आया? फिर से एक बार सुन लीजिए, ये क्या चीज है? लेंस नंबर 1, ये क्या है? लेंस नंबर 2, लेकिन दोनों को मिला के जो चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे संयुक्त लेंस। पहला लेंस, दूसरा लेंस, दोनों को मिला दिया संयुक्त लेंस, कंबाइंड लेंस, तो इसको हम बोला करेंगे कंबाइंड लेंस, दोनों को मिला करके कंबाइंड लेंस। हिंदी में इसी को हम कहते हैं संयुक्त लेंस, या लेंस कॉम्बिनेशन भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक, इस लेंस कॉम्बिनेशन के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, लेंस कॉम्बिनेशन, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब हम इसकी इमेज को देखना चाहते हैं, इमेज कहां बनेगी। और एक चीज बेटा मैं आपको बताऊं, ये मैंने लेंस इतने पतले माने हुए हैं कि O1, O2 ये सारे के सारी, और ये जो इनके बीच का पॉइंट है हमने मान लिया कि ये इतने पास पास पड़ते हैं कि इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इस पॉइंट को सी अगर मान लें तो हम ये लिख सकते हैं कि O1, O2 और सी इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ये अत्यंत समीप हैं। तो यहां पर मैंने मान लिया लेंस अत्यंत पतले हैं, इसलिए ये लेंस अत्यंत पतले हैं, इसलिए O1 O2 दोनों सी के अत्यंत समीप होंगे। O1 और O2 दोनों ही पॉइंट सी के बहुत नजदीक होंगे, इतने नजदीक होंगे कि अगर कोई डिस्टेंस हम O1 से नाप रहे हैं तो उसके लिए भी हम सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डिस्टेंस अगर हम O2 से मेजर कर रहे हैं उसके लिए भी हम सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अलग अलग पॉइंट्स नहीं लेंगे यहां। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वस्तु हमने रखी है, यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी, इमेज हम देखना चाहते हैं कहां बनेगी। यहां से हमने माना एक प्रकाश किरण ऐसे गई, इस तरह से प्रकाश किरण गई और पहले लेंस पर पड़ी। जैसे ही पहले लेंस पर ये लाइट रे पड़ेगी, लेंस का तो काम है प्रकाश किरण को मोड़ना, तो वो प्रकाश किरण को मोड़ेगा, लेंस प्रकाश किरण को मोड़ेगा और मोड़ करके वो इस दिशा में उसको भेजना चाहता है, इस दिशा में उसको वो भेजना चाहता है। कौन सी डायरेक्शन पे? तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूं। जरा ये प्रकाश किरण को मोड़ करके इस डायरेक्शन में भेजना चाहता है, प्रकाश किरण को मोड़ेगा और इस डायरेक्शन में वो लाइट रे को भेजना चाहता है, इस दिशा में।
लेकिन आप सोचिए कि क्या लाइट रे जो है वो इस डायरेक्शन में जा पाएगी? जा नहीं पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी बेटा? इसलिए नहीं जा पाएगी क्योंकि जैसे ही ये लेंस लाइट रे को मोड़ कैसे भेजना चाहता है, दूसरा लेंस आ जाता है। अगर ये लेंस ना आता तो ये वाली लाइट रे कहां पर जाकर मिलती मुख्य अक्ष को? यहां कहीं आगे जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती जाकर के। लेकिन क्योंकि दूसरा लेंस आ गया इसके रास्ते पर, अब जब दूसरा लेंस आएगा तो ये भी तो प्रकाश किरण को मोड़ेगा, क्योंकि लेंस का मेन फंक्शन ही है लाइट रे को बेंड करना। तो ये वाला लेंस भी प्रकाश किरण को मोड़ेगा। अब ये बताओ, दूसरे लेंस को लाइट रे इस दिशा वाली मिली है या इस डायरेक्शन वाली लाइट रे मिली है उसको? दूसरे लेंस को ये वाली प्रकाश किरण मिली है कि ये वाली प्रकाश किरण मिली है? ऊपर वाली डॉटेड वाली लाइन मिली है। तो इसके हिसाब से ये अपनी पावर के अकॉर्डिंग इस लाइट रे को भी मोड़ेगा। और मोड़ करके हमने मान लिया कि उसने मोड़ दिया इतना अपनी क्षमता के अनुसार, ये लाइट रे ऐसे चली गई। तो एक्चुअली जो लाइट रे ये वाली गई थी वो लास्ट में कहां जाएगी? इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ जाएगी? ये वाली जाएगी, वो नहीं जा पाएगी क्योंकि बीच में ये लेंस आ गया। अगर ये ना आता तब तो वो वहां मिलती जाके, लेकिन क्योंकि लेंस आ गया तो लाइट रे वहां नहीं जाएगी, यही मिलेगी। हम तो इमेज देखना चाहते हैं, सो फॉर इमेज वी हैव टू सेंड द सेकेंड रे ऑल्सो। तो एक दूसरी रे भी भेजिए। दूसरी रे में हम ज्यादा परेशान नहीं होते, सीधे मुख्य अक्ष के अनुदिश ही भेज देते हैं उसको। मुख्य अक्ष के अनुदिश जाती है प्रकाश किरण, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, और लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश किरण को मुड़ता नहीं है, वो सीधी निकल जाती है, ऐसे निकल गई। अब लास्ट में लाइट रे ये वाली गई है। अब अगर हम इमेज देखना चाहते हैं तो एक ये प्रकाश किरण जा रही है, एक ये प्रकाश की किरण जा रही है। इनके सामने आइस सेट करके खड़े हो जाओ और पीछे बढ़ाओ, देखो कहां पर काटती हैं। यहां पर काटती हैं, यहां पर लास्ट इमेज बन जाएगी। एक चीज और सोचिए कि अगर ये दूसरा वाला लेंस ना होता तो इमेज कहां बनती? तब इमेज यहां बनती। इसलिए इसको हमने क्या मान लिया? आई डैश। तो अगर दूसरा वाला लेंस ना होता तो इमेज यहां बनती, लेकिन क्योंकि दूसरा वाला लेंस है इसलिए वो इमेज को कहां बना देता है? आई पर बना देता है। ठीक है, फिर से एक बार देखो। पहला लेंस, पहले लेंस के लिए वस्तु कौन है? ओ पर। और पहला लेंस ओ वस्तु का इमेज कहां बनाता है? आई डैश पर बनाता है। मैं पहले लेंस की बात कर रहा हूं, याद आया कुछ आपको? आप देखो ना, पहला लेंस वहीं बनाना चाहता है। ठीक, दूसरा लेंस क्या करता है कि जो आई डैश पर बनना चाहती थी उसको वो आई डैश पर बनने नहीं देता, आई डैश वाली चीज को उठा के कहां भेज देता है? आई पर भेज देता है। समझ आया? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं लेंस वन के लिए वस्तु का काम कौन करेगा? ओ, वेरी गुड। लेंस वन के लिए प्रतिबिंब का काम कौन करेगा? आई डैश। अब लेंस टू की बात करिए, लेंस टू के लिए वस्तु का काम कौन करेगा? आई डैश, वेरी गुड। और लेंस टू के लिए इमेज का काम कौन करेगा? आई करेगा। अब आपको बात समझ में आई? क्योंकि लेंस टू ने, देखो लेंस वन ने ओ को आई डैश पर बनाया, इसलिए लेंस वन के लिए ओ वस्तु, आई डैश प्रतिबिंब। लेंस टू ने क्या किया है? आई डैश को उठा के आई पर बना दिया, इसलिए लेंस टू के लिए वस्तु कौन? आई डैश। और प्रतिबिंब कौन? आई। बस इतना सा आपको केवल याद रखना है। समझ आई बात आपको? अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्टेंसेस यहां पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं जरा। ये लेंस से, फर्स्ट लेंस से, क्योंकि फर्स्ट लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो फर्स्ट लेंस से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं यू। और फर्स्ट लेंस प्रतिबिंब कहां बनाएगा? आई डैश पर। तो फर्स्ट लेंस से और यहां प्रतिबिंब तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं जरा वी डैश।
इस पॉइंट को आई डैश माना है तो इसको हम मान लेते हैं वी डैश, ठीक है। लेंस टू के लिए इमेज कहां पर बन रही है? आई पर। तो लेंस टू से और आई तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं वी, मतलब जो हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस यू, जो हमारी एक्चुअल इमेज है उसके डिस्टेंस को वी, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया। अब क्योंकि यहां दो दो लेंसेज हैं इसलिए दो दो लेंसेज में दोनों में अपवर्तन का सूत्र हम यूज करेंगे। आप देखिए लेंस वन में लेंस एक में लेंस फॉर्मूला से, क्या आपको याद है लेंस फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये वाला लेंस फॉर्मूला होता है, अभी अभी हमने आपको बताया। तो लेंस एक में लेंस फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या क्या करना है बताइए जल्दी से मुझको। जब ये वाला फॉर्मूला लेंस एक के लिए लगाएंगे तो एफ की जगह मुझे उसकी फोकस दूरी लिखनी पड़ेगी, वी की जगह लेंस वन के लिए जो प्रतिबिंब है वो लेना पड़ेगा, और यू के लिए लेंस यू की जगह पर लेंस वन के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब प्लीज मुझे बताएं वन अपॉन एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा? लेंस वन की फोकस दूरी, लेंस वन की फोकस दूरी कितनी है? दिखा नहीं आपको, ये क्या है? ये लेंस वन की फोकस दूरी और ये लेंस टू की फोकस दूरी। तो लेंस वन की फोकस दूरी की जगह पर क्या लिखा जाए? एफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन, आप क्या चाहिए? लेंस वन के लिए प्रतिबिंब की दूरी बताइए। लेंस वन के लिए प्रतिबिंब आई डैश है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? वी डैश माइनस वन अपॉन वस्तु की दूरी चाहिए, वस्तु की दूरी। लेंस वन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ओ, तो वस्तु की दूरी कितनी है? यू। ये हमने यहां पर नोट कर दिया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अब लेंस टू में लेंस फॉर्मूला लगाइए, लेंस टू में लेंस फॉर्मूला से, लेंस टू में भी यही फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए अप्लाई करिए वैल्यू, वन अपॉन क्या लिखा जाए? वन अपॉन एफ टू लिखा जाए, एक बटे प्रतिबिंब की दूरी। तो बताइए लेंस टू के लिए प्रतिबिंब कौन है? लेंस टू के लिए प्रतिबिंब आई है, तो लेंस टू के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? वी दूरी है। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन, और लेंस टू के लिए वस्तु कौन है? आई डैश है वस्तु। अगर लेंस टू के लिए वस्तु आई डैश है तो वस्तु की दूरी बताओ लेंस टू से, वी डैश। वैसे अगर इस डिस्टेंस को आप ध्यान से देखोगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया, जरा गौर करिए। वैसे ये वी डैश डिस्टेंस हमको यहां से चाहिए, यहां से यहां तक लेंस टू से चाहिए, लेकिन ये वी डैश डिस्टेंस कहां से है? यहां से स्टार्ट हो रही है, तो क्या ये लेना उचित रहेगा? उचित तो नहीं रहेगा, लेकिन हमने उसके पहले मान लिया कि लेंस अत्यंत पतले हैं, तो ओ वन ओ टू दोनों सी के अत्यंत समीप हैं, तो ये जो इतना छोटा मोटा डिस्टेंस होगा ये इतना फर्क नहीं करता है, इसलिए हमने इसको यहां पर ले लिया। इतना समझ आ गया सभी को? अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेंस कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा संयुक्त लेंस है, ये ओ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है? आई पर। तो हम केवल यू और वी रखना चाहते हैं, वी डैश यहां से एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इन दोनों को मिला के वी डैश कैसे एलिमिनेट हो सकता है? दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देते हैं। समीकरण एक व समीकरण दो को
जोड़ने पर। ठीक है, आप देखो बेटा जब आप जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1/f1 + 1/f2, ये आ जाएगा 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू, आप जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 1/v' और -1/v' ये कैंसल हो जाएंगे, क्या बचेगा, -1/u + 1/v। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, +1/v - 1/u, ऐसे लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखें, ये तो हमको इन दोनों को जोड़ने से मिला। अब इसमें एक छोटी सी चीज हम ये भी मान लेते हैं, ये एक लेंस कॉम्बिनेशन है पूरा। अगर इस पूरे को हम एक लेंस मान लें, ऐसे, समझ आ रहा है आपको, इस पूरे को क्या कर दें हम, एक लेंस मान लें, उसका नाम क्या होगा, संयुक्त लेंस। उसकी भी अपनी एक फोकस दूरी होगी, होगी कि नहीं होगी। और अगर ये मान लें कि वो लेंस कॉम्बिनेशन यू दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वी दूरी पर बनाता है, हम यहां पर लिख देते हैं, यदि संयुक्त लेंस यू दूरी पर, यदि संयुक्त लेंस यू दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि संयुक्त लेंस यू दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वी दूरी पर बनाता है, तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, तब संयुक्त लेंस के लिए संयुक्त लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला से ठीक है। देखो हमने क्या लिखा कि अगर जो ये कंबाइंड लेंस है, संयुक्त लेंस है, ये इसके सामने यू दूरी पर कोई वस्तु रखी हो और उस वस्तु का प्रतिबिंब वो कितनी दूरी पर बनाए, वी दूरी पर बनाए, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी कितनी हो, कैपिटल एफ, तब आप संयुक्त लेंस के लिए अगर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बता सकते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/v -1/u, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर भी 1/v - 1/u है, यहां पर भी 1/v - 1/u है, इन दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से वह समीकरण 4 से 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। ये अब आप मुझे बताएं, f1 क्या चीज है, पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या चीज है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, कैपिटल F क्या चीज है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/F इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। ठीक है, एक चीज और, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, 1/F इज इक्वल टू, अगर हम यहां से एलसीएम ले लें, f1 × f2, तो यहां क्या आएगा, f1 + f2,
F2 प्लस F1, F1 प्लस F2 दोनों एक बराबर होते हैं। और इसको अब सॉल्व करके अगर हम F की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम हटा देते हैं इसको। हम F निकालना चाहते हैं तो दोनों को हम पलट देंगे, तो कैपिटल F बराबर आ जाएगी वैल्यू F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। ऐसा तो ये कैपिटल F यानी कि किसकी वैल्यू है, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर आपको दोनों अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी मालूम है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब हम यहां पर चाहें तो एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हैं, अभी हमने ये दोनों कौन से लेंस लिए हैं, उत्तल लेंस लिए हैं। अगर हम दोनों अवतल ले लेंगे, दोनों अवतल लेंगे, या एक उत्तल ले लिया एक अवतल ले लिया, हमने इस कॉम्बिनेशन को हमने ऐसा बनाया कि एक उत्तल लेंस लिया एक अवतल लेंस लिया। यदि पहला लेंस उत्तल जबकि दूसरा लेंस, यदि पहला लेंस उत्तल जबकि दूसरा लेंस अवतल हो, तब बताएं तब क्या परिवर्तन आएगा फॉर्मूले पे, बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, जो उत्तल लेंस होगा उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, जो अवतल लेंस होगा उसकी फोकस दूरी निगेटिव, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F इज इक्वल टू F1 कैसा लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव, F2 कैसा लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लेना पड़ेगा। मींस F1 इंटू F2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस F1 इंटू F2 अपॉन F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। और अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेके इसको कैंसिल करना चाहोगे तो F की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, F की वैल्यू आपको मिलेगी F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1। ये फॉर्मूला उस वक्त आपको मिलेगा, पर इसमें आपको याद क्या रखना है, कौन सा लेंस उत्तल है F1, और कौन सा लेंस अवतल है F2 अवतल लेंस है। F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी है और F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, तब हमारे लिए ये फॉर्मूला होगा। अब एक यहां पर जब हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई की ना कि पहला लेंस उत्तल दूसरा अवतल, वो कैसे बनेगा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला लेंस कैसा लगाया हमने, उत्तल, और दूसरा हमने कैसे लगाना है, अवतल। देखो दूसरा लेंस कैसे लगेगा, अवतल, ऐसे ये लेंस कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें अगर आप इसको हटा लो तो आपको उत्तल दिखेगा, और अगर आप इसको हटा लो तो आपको क्या दिखेगा, अवतल, क्योंकि एक उत्तल और एक अवतल लेंस को हमने कंबाइंड किया हुआ है। समझ आया आपको? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है F1, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है F2। लेकिन यहां पर हमारे लिए फिर से हमको एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? अगर हमने दोनों उत्तल लगाए हैं तब तो ऑब्वियसली हम जानते ही हैं कि इसमें किरणें क्या होंगी, सिकुड़ेंगी या फैलेंगी, सिकुड़ेंगी ही किरणें, कन्वर्ज होंगी, अभिसरित ही होंगी। अगर हमने दोनों अवतल लगाए हैं तो भी हम जानते हैं कि किरणें सिकुड़ नहीं सकती, फैलेंगी ही। लेकिन अगर हमने एक उत्तल और एक अवतल लगाया है तो अब यहां पर क्या होगा, किरणें सिकुड़ेंगी या किरणें फैलेंगी, अभिसरित होंगी कि अपसरित होंगी, अपसरित होंगी कैसे कह सकते हैं आप ये, क्योंकि बाद में अवतल है, ऐसा नहीं बोल सकते हम।
हम इसके लिए उसकी कुछ शर्तें हैं, उनको गौर करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो आप एक काम करें, इतना नोट करें और फिर हम देखते हैं कि अगर आपने एक उत्तल और एक अवतल लेंस को कंबाइंड किया है। अब देखो कितना अजीब होगा यहां पर, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन ने मिलकर किरणों को अभिसरित कर दिया, अगर पूरे कॉम्बिनेशन ने मिलकर किरणों को ऐसा अभिसरित कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन उत्तल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन ने किरणों को अपसरित कर दिया, फैला दिया, तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम कर रहा है? अवतल की तरह। लगे दोनों हैं, लेकिन फिर काम किसकी तरह हो रहा है? अवतल की तरह। और अगर दोनों ने मिलकर किरणों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ा, सीधी निकल गई, तो फिर यह कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करेगा? एक समतल प्लेट की तरह काम करेगा। ये तो हो सकता है। अगर हमने ये वाला लेंस लगाया +4 डाइऑप्टर क्षमता का और ये वाला लेंस लगा दिया -4 डाइऑप्टर क्षमता का, तो जितनी क्षमता इसकी उतनी ही इसकी, जितना ये किरणों को अभिसरित करना चाहेगा उतना ये फिर अपसरित कर देगा। तो किरणें ज्यों के त्यों समांतर निकल जाएंगी, समतल प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगा ये। इसलिए इस पर बेस्ड भी हम 3 कंडीशंस स्टडी करेंगे। आप इसको नोट कर लें, फिर हम उनको बताते हैं आपको। बेटा देखें, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे। ये ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक उत्तल लेंस लगा हुआ है और दूसरा अवतल लेंस लगा हुआ है, इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर F1 की वैल्यू बड़ी है और F2 छोटा है। F1 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है। ऐसे सिचुएशन पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का बताइए क्या होगा? इसलिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, या सिंबल आप जानते ही हो, अब बार बार हम ये नहीं लिखेंगे। इसलिए F=F1>F2। इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, F1 × F2 / F2 − F1। F1 बड़ा है, F2 छोटा है। छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करिए, नेगेटिव आएगी, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? अवतल लेंस की। इसका मतलब है इस सिचुएशन पे संयुक्त लेंस एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अतः संयुक्त लेंस एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो बताएं, आपका जो लेंस कॉम्बिनेशन है, क्या आप समझ रहे हैं इसको? फिर से देखो, बताइए दोनों लेंस कैसे हैं हमारे कॉम्बिनेशन में? हमारे लेंस कॉम्बिनेशन में दोनों लेंस किस प्रकार के हैं? क्या समझ रहे हैं आप उतनी देर से? एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो एक उत्तल है और दूसरा अवतल है। उस लेंस कॉम्बिनेशन में अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो गई और अवतल की फोकस दूरी कम हो गई, तो आपका पूरा का पूरा लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? जिसकी फोकस दूरी कम होगी, लेंस कॉम्बिनेशन उसी की तरह बिहेव करा करेगा। ऐसा क्यों? ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है लेकिन अवतल लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। क्योंकि जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता, तो यहां पर इसकी फोकस दूरी ज्यादा है और इसकी फोकस दूरी कम है, इसका मतलब इसकी क्षमता कम है और इसकी क्षमता, तो जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो अपने हिसाब से काम करवाएगा। अवतल लेंस की ताकत ज्यादा है तो ये पूरे के पूरे लेंस कॉम्बिनेशन को अपने अकॉर्डिंग वर्क करवाएगा, और इसीलिए पूरा का पूरा लेंस कॉम्बिनेशन अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 पे हम मान लेते हैं
कि यदि एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, अगर एफ वन और एफ टू दोनों बराबर हो गए, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे लेंस कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लेंसेज हैं? एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। ऐसे कॉम्बिनेशन में दोनों की फोकस दूरियां कैसी हो गई? बराबर। दोनों की क्षमताएं कैसी हो गई? बराबर। तो अब फिर से रखिए वहां पर वैल्यू, देयर फॉर एफ विल बी इक्वल टू, अगर ये दोनों फोकल लेंथ आपस में इक्वल हो गई तो इसमें इसको माइनस करने से वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। और जीरो से एफ वन इंटू एफ टू को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फोकस दूरी किसकी होती है? समतल प्लेट की। तो हम फिर यहां लिख सकते हैं, अतः संयुक्त लेंस कांच की एक समतल प्लेट की भांति, कांच की एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, कांच की एक समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा ये, और किरणों को कैसे जाने देगा? सीधा जाने देगा। अगर किरणों को सीधा जाने देगा, बताएं क्या होगा? ये लेंस कॉम्बिनेशन गायब हो जाएगा। भूल गए आप? अगर किरणें पीछे से आने वाली किरणें सीधी आ जाएंगी बिल्कुल, तो यहां पर वाली चीज हमको नहीं दिखती। किरणें रुकती हैं तो दिखती है ना, जैसी किरणें इधर से जाएंगी वैसी किरणें सामने निकल जाएंगी। ये लेंस कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? मिस्टर इंडिया बन गया ये। ठीक है, अच्छा, कंडीशन थ्री। और मैंने आपको समझाया है कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं, समझ आया आपको? अच्छा, कंडीशन नंबर थ्री क्या होगी? कंडीशन नंबर थ्री पे ले लेते हैं, यदि एफ वन इज लेस देन एफ टू। फिर से बताएं, हमारे लेंस कॉम्बिनेशन में कितने प्रकार के लेंस हैं? कौन कौन से? पहला उत्तल और दूसरा अवतल। एफ वन उत्तल की फोकस दूरी है, एफ टू अवतल की फोकस दूरी है। इस बार किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? अवतल की फोकस दूरी ज्यादा है, इसलिए अवतल की क्षमता कम होगी। अगर अवतल की क्षमता कम होगी तो पूरा लेंस कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करेगा? उत्तल की तरह काम करेगा। लेकिन कैलकुलेट करिए, इसलिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एफ टू ज्यादा है, एफ वन कम है। बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करिए, पॉजिटिव। और फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? उत्तल लेंस की। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि दोनों लेंसेस में से जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करवाने की कोशिश करेगा, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसी की क्षमता ज्यादा होगी, तो उसी की तरह हमारा लेंस कॉम्बिनेशन फंक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा लेंस कॉम्बिनेशन। लेंस कॉम्बिनेशन में लेंसेज एक दूसरे से कुछ दूरी पर भी रखे हो सकते हैं। मैं एक केस आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिए। अभी तो इस केस में हमने दोनों लेंस कैसे रखे? एक दूसरे से बिल्कुल चिपका के रखे, जोड़ करके रखे हुए। हम इन लेंसेज को एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर भी रख सकते हैं, उसको मैं यही बता देता हूं। उसके लिए आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करने हैं। एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। इस लेंस की फोकस दूरी हमने मान ली F1 और इस लेंस की फोकस दूरी हमने मान ली F2, और ये भी मान लिया कि ये दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमने मान लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस है d।
उस वक्त आप जब दोनों लेंसेज की फोकस दूरी का कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने जाओगे तो उस वक्त इसका फॉर्मूला आपको मिलता है 1 upon f1 = 1 upon f2। ये फॉर्मूला तो तब भी आया जब हमने दोनों को जोड़ के रखा। जब दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर चले जाएंगे तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और ये हो जाता है -d/f1 × f2। उस समय कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। डी क्या है? दोनों लेंसों के बीच का गैप जो है, कितने गैप से आपने दोनों लेंसेस को एक दूसरे के आमने सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे फिर हम उसकी फोकस दूरी कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं करना है, केवल मैंने बता दिया है कि अगर कभी ऐसा केस आएगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा। एक चीज और, ये जो लेंस कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, टाइम खर्चा कर रहे हैं अपना, इसकी क्या जरूरत है? इसकी बहुत जरूरत है। जब आप किसी एक लेंस को देखते हो, एक लेंस, सिंगल लेंस, कहीं पर भी अगर हम सिंगल लेंस यूज करते हैं तो सिंगल लेंस में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ दोष होते हैं जिनको कहते हैं। सिंगल लेंस में कौन से दोष होते हैं? आपके सिलेबस में अब ये डिफेक्ट्स नहीं है, ये 2020 और 2021 के लिए हटे, ऐसा नहीं है, पहले से हटे हैं। ये सिलेबस जो एनसीईआरटी पैटर्न है इसमें ही नहीं है ये। अदरवाइज जब लेंस, एक सिंगल लेंस हम कहीं पर भी यूज कर करते हैं, इन अ सिंगल लेंस दो तरह के डिफेक्ट आपको मिलते हैं। एक डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन, जिसे बोला जाता है वर्ण विपथन। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विपथन। और एक दूसरा दोष होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है गोलीय विपथन। ये दो तरीके के डिफेक्ट एक सिंगल लेंस में होते हैं। आप कोई भी सिंगल लेंस देखोगे तो उसमें ये दो तरीके के डिफेक्ट, ये डिफेक्ट्स में होता क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहते हम। क्रोमेटिक एबरेशन में ये होता है कि जब आप सिंगल लेंस से देखते हो, लेंस से हम इमेज देखना चाहते हैं और इमेज हम वैसे ही देखना चाहते हैं जैसा ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रोमेटिक एबरेशन का जो डिफेक्ट होता है, ये अगर किसी लेंस में है तो जब आप उससे इमेज देखोगे तो वो इमेज आपको कलरफुल दिखती है। कलरफुल ऐसे दिखती है कि जैसे आप लेंस के सामने आप खड़े हो गए व्हाइट शर्ट पहन के और आपसे उसका इमेज बना, तो जब वो इमेज बनेगा तो आपने शर्ट कैसी पहनी है? व्हाइट, लेकिन इमेज में सातों रंग भरे होंगे आपके शर्ट में। तो जैसे आप हैं एक्चुअली आप हमको वैसा नहीं दिखेंगे, तो हम इस प्रकार का लेंस कैमरे में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम ये वाला लेंस कैमरे में लगा के और आपका फोटो खींचेंगे तो आपकी शर्ट कैसी है? व्हाइट, लेकिन उसमें तो सातों रंग आ जाएंगे। और हम आपको फोटो खींचते वक्त आप क्या एस्पेक्ट करते हैं? आप यही तो एस्पेक्ट करते हैं कि हम फोटो सेम वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा वो इंसान है, जैसा उसने शर्ट पहना है, जैसे उसने कपड़े पहने हैं, सेम वही चीज हमको दिखे तो हम मानते हैं कि फोटो अच्छी आई है। लेकिन अगर एक सिंगल लेंस यूज करोगे तो उसमें ये वाला डिफेक्ट आ ही जाता है। इस स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है? इस स्फेरिकल एबरेशन में मुख्य अक्ष के नजदीक जो किरणें होती हैं वो दूर जाकर फोकस होती हैं, और मुख्य अक्ष से दूर से जो किरणें आती हैं वो पास में फोकस हो जाती हैं। तो हमने उसके सामने एक इतनी बड़ी और इतनी पतली वस्तु रखी, लेकिन मुख्य अक्ष के दूर से जो किरणें गई वो पास में फोकस हो गई अपवर्तन के बाद, और जो किरणें मुख्य अक्ष के पास पास गई वो अपवर्तन के बाद दूर जाकर फोकस हुई, और बीच वाली किरणें उनके बीच में गई। तो इस तरीके से क्या होता है, आपने अगर इतनी पतली वस्तु रखी है तो जब इमेज बनती है ये इतनी चौड़ी इमेज बनती है,
धुंधली बनती है, चौड़ी बन जाती है, ये डिफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो कैमरे में जब हम लेंसेज का यूज करते हैं तो हम ये लेंस नहीं यूज कर पाते, सिंगल लेंस नहीं यूज कर पाते, क्योंकि उसमें क्रोमेटिक और स्फेरिकल दोनों एबरेशंस आ जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों डिफेक्ट्स को खत्म करने का प्रयास करते हैं। और ये कैसे डिफेक्ट हटाए जा सकते हैं, सॉरी, इन दोनों डिफेक्ट्स को हम हटा सकते हैं लेंस कॉम्बिनेशन यूज करके। इसलिए फिर कैमरे जो आपके बने होते हैं उनमें जो लेंसेज लगते हैं उनमें हम दोनों लेंस यूज करते हैं, एक उत्तल लेंस यूज करते हैं, एक अवतल लेंस। उसकी भी अपनी कुछ शर्तें हैं, पर मैंने बोला कि हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं इसलिए अब हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो कैमरे में लेंस लगे होंगे उसमें सिंगल लेंस नहीं होता, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का यूज हम कहां करते हैं, कैमरे में, समझ आया, वहां पर एक सिंगल लेंस यूज करके फोटो नहीं ले सकते आप। तो कैमरे में हम लेंस यूज करते हैं और एक उत्तल और एक अवतल दोनों को ऐसा चिपका के रखते हैं। चिपका के रखेंगे तो जोड़ेंगे किससे, एक फिर प्रॉब्लम आ गई। अब हमने एक उत्तल लिया, एक अवतल लिया, यह भी ट्रांसपेरेंट है, यह भी ट्रांसपेरेंट है, हम दोनों को चिपकाएंगे तो उनके बीच में कोई गम लगाएंगे, कोई गोंद लगाएंगे, फेविकोल लगाएंगे, फेविक्विक लगाएंगे, जो कुछ भी आप लगाओगे और इसको ऐसा चिपका के रखोगे तो ये लेंस कहे के बने हैं कांच के, इनके आर पार हमको अभी दिखता है। अब अगर चिपकाने के लिए हमने इसमें व्हाइट कलर का फेविकोल लगा दिया, चिपका दिया, अब तो आर पार दिखना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके बीच में फेविकोल की एक लेयर आ गई, तो ट्रांसपेरेंसी तो खत्म हो गई ना इनकी, तो आर पार दिखना बंद हो जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा। अब क्या करा जाए, जो भी चीज लगाओगे, जो भी गोंद लगाओगे आप, वो गोंद अपनी एक लेयर बना लेगा दोनों के बीच में और ट्रांसपेरेंसी फिनिश हो जाएगी इसकी, ट्रांसपेरेंसी डैमेज हो जाएगी इसकी, आर पार आपको दिखने बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम सीमेंट लगाते हैं इसमें। अब आप सोचोगे सीमेंट लगाते तो सीमेंट से तो और दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हम ये वाली सीमेंट थोड़ी लगाते हैं जो आप घर बनाते हो, इसके लिए एक दूसरी सीमेंट आती है, इसका नाम होता है कनाडा बालसम, कनाडा बालसम नाम की एक सीमेंट आती है और वो सीमेंट ट्रांसपेरेंट सीमेंट होती है, पारदर्शी सीमेंट, सीमेंट लगा दो फिर भी आर पार देख सकते हो आप उसके, और उस सीमेंट का जो अपवर्तनांक होता है वो भी कांच के अपवर्तनांक के बराबर रहता है। अब हम क्या करते हैं, अगर आप उसको दो लेंस को जोड़ना है, एक लेंस लिया उसमें सीमेंट लगाई, दूसरा लेंस इसमें चिपका दिया, अब ट्रांसपेरेंसी डैमेज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि लेंस भी ट्रांसपेरेंट है, बीच में लगी सीमेंट भी ट्रांसपेरेंट है, और उसका अपवर्तनांक जिस पदार्थ के ये कांच के लेंस बने हैं उनके अपवर्तनांक के बराबर भी है, इसलिए कुछ डैमेज नहीं होगा और आराम से चिपका के लेंसेस को हम कैमरे में यूज करेंगे, दोनों प्रकार के डिफेक्ट भी खत्म होंगे और बढ़िया फोटो आप खींचते हो अपने कैमरे से। समझ आया कुछ आपको, तो लेंस कॉम्बिनेशन की जरूरत हमको ऐसी जगहों पर पड़ती है, इसलिए हम लेंस कॉम्बिनेशन करते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन में एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब भी लेंस कॉम्बिनेशन आप करें, उस लेंस कॉम्बिनेशन में अगर लेंसेस ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर भी रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से बाई चांस हमने ऐसे समांतर किरणें भेजी, समांतर किरणें जो आएंगी, अब हमको इसका पूरा इमेज बना के दिखाना है कि इसका इमेज कहां बनेगा जाकर के, तो एक बार में एक लेंस का इस्तेमाल आप करिएगा, जैसे हमने इस पे किया है। एक बार में एक लेंस का इस्तेमाल का क्या मतलब है, समांतर किरणें आई, आप भूल जाइए कि लेंस यहां रखा भी है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप बस इतना याद रखो कि किरणें समांतर आई और यह लेंस रखा है। अब इस लेंस की फोकस दूरी, बाई चांस इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर पड़ता है, इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर पड़ता है, मैंने बोला कि इस लेंस को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए रखा भी है, सब कुछ भूल जाओ कि यह लेंस यहां रखा है, इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर है। अगर इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर है, किरणें समांतर आई हैं, तो यह लेंस क्या करेगा,
मुख्य फोकस पर भेजेगा, ये किरणों को मुख्य फोकस पर ऐसा भेजेगा। तो इस लेंस ने प्रतिबिंब कहां बनाएगा, ये लेंस बताओ, फोकस पर बनाएगा ये लेंस प्रकाश किरणों से, ओ सॉरी, ऐसे, ये लेंस यहां पर प्रतिबिंब बनाएगा। देखो इस लेंस की फोकस दूरी कुछ है, इस लेंस की फोकस दूरी भी कुछ है, इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर पड़ता है। किरणें कैसी आ रही हैं, समांतर। अगर किरणें समांतर आ रही हैं तो इस लेंस के बारे में पहले मुझे बताओ, इस लेंस के लिए वस्तु कहां पर है, अनंत पर, क्योंकि किरणें कैसी आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। तो इस लेंस के लिए वस्तु अनंत पर है, तो यू बराबर माइनस इंफिनिटी, क्योंकि बाईं ओर है। इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, तो v बराबर कितना हो गया, f1 प्लस f1। इतनी बात समझ में आ गई, या मैं कोई डिस्टेंस ले लेता हूं, बाई चांस यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। समझ आया आपको, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 20, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के लिए वस्तु कहां पर है, माइनस इंफिनिटी पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। इतनी बात क्लियर, एक लेंस के लिए हमने पता लगा लिया। अब इसको भूल जाओ, इसको याद करो। अब इस लेंस के लिए वस्तु कहां पर है बताओ, इस फिगर को याद कर रहे हो आप, ध्यान करके बताओ, इस लेंस के लिए जो प्रतिबिंब होता था वही दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाता था, वस्तु बन जाता था। समझ आ रहा है कुछ आपको, तो मुझे बताएंगे इस लेंस की वस्तु कहां रखी है, कहां, यहां पर बन रखी हुई है, कितनी दूरी पर है। इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी बताओ, 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा 20 और ये 15, तो ये कितना, 5, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि लेंस से दाईं ओर है। समझ आया, इसकी फोकस दूरी कितनी, F2। आप अगर प्रतिबिंब की दूरी निकालना चाहो तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, निकाल लोगे। नहीं समझ में आया, आया, अच्छा, ये किरणें यहां पर ऐसे जा रही थी, इसने फैला दिया, बाई चांस फैला के ऐसा भेजने लगा ये किरणों को, इसके आगे फिर एक लेंस आ गया उत्तल। अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को भूल जाइए, अब तीसरा याद रखिए, इसके लिए वस्तु का काम कौन करेगा, इसके लिए वस्तु का काम कौन करेगा, जो इसके लिए प्रतिबिंब बनेगा वो इसकी वस्तु का काम करेगा। अब अगर दाईं ओर होगा तो प्लस, बाईं ओर बनेगा तो माइनस। नहीं समझ में आई, तो एक लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा, अगले लेंस के लिए वही क्या काम करा करेगा, वही वस्तु का काम किया करेगा, ठीक है। ये बात कुछ समझ में आती है आपको, इस तरह से ही आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर तीन लेंसेज हैं तो पहले लेंस से स्टार्ट करो, तो जब इसको स्टार्ट करो तो इसको याद रखो, ये दोनों सोचो है नहीं, फिर जब इसका प्रतिबिंब निकल आए, वो प्रतिबिंब वाला दूरी क्या बन जाएगी इसके लिए, वस्तु, फोकस दूरी दी होगी, फिर इसका प्रतिबिंब आप निकाल सकते हो, फिर जो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो इसके लिए वस्तु बन जाएगी, बन जाएगी, और फिर इसकी फोकस दूरी दी होगी तो इसके लिए प्रतिबिंब निकाल सकते हो। एक बार में एक लेंस को कैलकुलेट करा करेंगे, एक साथ सबको कैलकुलेट करने का प्रयास नहीं करिए आप, ठीक है। तो ये है लेंस कॉम्बिनेशन, और लेंस कॉम्बिनेशन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और फिजिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।